नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बजट सत्र के दौरान जो है बीजेपी जो महिला विधायिका हैं वह उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है कि आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं? हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है, विपक्ष का आवाज दबाया जा रहा है, वहाँ जो है माइक में लाइन देता है कट। आपका क्या समस्या है, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रही है? हम लोग आई पूरे देश के जो मंत्री हमारे सैनिकों का अपमान कर रहा है, हम लोग उस मांग के लिए हम लोग बेल में गए हैं। और जो आज जो अध्यक्ष पार्टी बने हुए हैं किसी को सुनते नहीं है, और हम लोग चाहते हैं जो अपराधी है मंत्री उसको बर्खास्त करें। क्या आप लोग क्यों बाहर निकल गए हैं? इसलिए कि जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाए, कोई हो, मंत्री हो या कोई भी हो, इसी से हम लोग बाहर निकल गए। कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इसी से हम लोग बाहर निकल गए हैं। सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है, माइक बंद कर दे रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का बात दबाया नहीं जाए, सैनिकों का अपमान किया जा रहा है उनके मंत्री, तो हम लोग अपमान नहीं सहेंगे। आज जो सैनिकों का अपमान किया जा रहा है उनका अपमान नहीं सहेंगे, इसी कारण हम लोग बाहर है। हम लोगों का विपक्ष का बात दबाया जा रहा है, इसलिए हम लोग बाहर आ गए हैं। आज विवाद बहुत तरह का बयान ऐसा आ रहा है मंत्री लोग का जो सुनने लायक नहीं है। हमारे सेना जो दिन रात एक करके रक्षा कर रहा है हम लोग का, और उन लोग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसा बयान, नहीं तो उन लोग का मनोबल बढ़ता रहेगा और दिन ब दिन वो ऐसा बयान देते रहेंगे। हाँ पुरानी है, लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी का व्यवहार पहले से बहुत खराब है। माने जब महिलाओं के हमारे विपक्ष के नेता के माने माइक बंद कर देना, विधायकों के तुम लोग जाओ, ये कोई तरीका है? का इज्जत नहीं है विपक्ष का? कुर्सी बचाने की है बस, उनका तो कुर्सी बचाना की। हाँ दल बदरू दौड़ का ये में दौड़ के वो में अपना कुर्सी बचाए। नहीं बिल्कुल, कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश करी है। माइक ऑफ कर दिया जा रहा है, कैमरा ऑफ कर दिया जा रहा है, ये शुद्ध और शुद्ध प्रजातंत्र की हत्या है। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे थे कि बीजेपी महिला जो विधायिका हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। साफ तौर से इन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, सदन की कार्रवाई जिस तरह से सरकार अपने मनमाने ढंग से चला रही है, ऐसे में हम लोग विरोध जता रहे हैं। आए दिन जिस तरह से बिहार सरकार में मंत्री जो बयान देते हैं, चाहे वह सैनिकों को लेकर के हो या फिर रामायण को लेकर हो, सरकार इस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? अब देखने वाली विषय होगी कि सदन जो लंबा चलने वाला है, 5 अप्रैल तक के सदन की कार्रवाई होनी है, तो आखिरकार किस तरह से आगे की कार्रवाई होती है। इसका बस इतना ही, बने रही है न्यूज़ के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।